बहनों और भाइयों, ये देश समृद्ध है, संपन्न है और इस देश में हमारी सरकार आने के बाद करीब 25 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनको दरिद्र रेखा के ऊपर ले आकर हमने उनको दरिद्रता से, गरीबी से मुक्त कराया है। हमने देश के लिए ऐसी आर्थिक नीति को स्वीकार किया है कि जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे कर सके। हमने ऐसी नीतियां बनाई है कि केवल आदर्श सिटी, स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी तो स्मार्ट विलेज कैसे बनेंगे। मैं किसान हूं, मेरे क्षेत्र में मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं और 2004 से मैं कहता था कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, इस देश का किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता होगा। केवल ऊर्जादाता नहीं, तो अभी जो राइस आप तैयार करते हैं, चावल, उससे हमने बायो इथेनॉल बनाया है, पेट्रोल का अल्टरनेटिव है। संतीप पात्रा जी ने देखा है, मेरे घर पर इनोवा गाड़ी है टोयोटा कंपनी की और वो 100% किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पे चलती है। हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए हम खर्चा करते हैं जो पेट्रोल डीजल आयात करने के लिए हमारा पैसा बेकार जाता है। हमारी सरकार चाहती है कि ये पैसा किसानों के जेब में जाए। बांबू से इथेनॉल बनना आसाम में नुमालीगढ़ में शुरू हुआ, अब राइस से, मक्के से, चावल से, मक्के से इथेनॉल बनना देश में 100 फैक्ट्री की शुरुआत हो गई है। शुगर केन जूस, मोलासेस से इथेनॉल बनता है और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे दिल्ली में जिसको परली कहते हैं, राइस स्ट्रॉ, आप क्या कहते हैं उसको यहाँ? रोड़ा, नोड़ा। आपको आश्चर्य होगा कि नोड़ा से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बनाना शुरुआत हुआ है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में 300 फैक्ट्री शुरू हो रही, 36 का प्रोडक्शन शुरू हो गया और मैंने अपने खुद का ट्रैक्टर बायो सीएनजी पर चालू किया है। इस देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान, फिशरमैन, इनका कल्याण कैसे हो, ये देश सुखी, समृद्ध और संपन्न कैसे हो, ये हमारी कोशिश है। मेरी संबित जी को और उपासनी जी को प्रार्थना है कि अब मैं हाइड्रोजन के गाड़ी में घूमता हूं, यहां पानी पानी है और मेरी जो गाड़ी है उसका नाम है, वो जो जापान में मिराई करके एक शब्द है, मिराई, मिराई का हिंदी अर्थ होता है भविष्य, फ्यूचर। हमारा भविष्य है हाइड्रोजन। हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी रेलवे, हमारे हवाई जहाज आने वाले समय हाइड्रोजन पर चलने वाले हैं और मेरे पास हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी दिल्ली में है जो मर्सिडीज से भी अच्छी है, ना धुआं छोड़ती है ना प्रदूषण करती है। अब हमारे गांव में हमारे किसान, हमारे गांव के जवान लड़के इथेनॉल तैयार करेंगे, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी तैयार करेंगे और पानी से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेंगे और हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा। आपको लगेगा कि नेताजी सपना दिखा रहे हैं, मैं सपना दिखाने वाला नेता नहीं हूं, मैं जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर करके दिखाता हूं। मैं 10 साल से मंत्री हूं, 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं, ये कोई मीडिया वाला मुझे सवाल नहीं पूछ सकता कि जो घोषणा मैंने की वो काम नहीं हुआ, ऐसा एक भी नहीं बता। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।